प्यारे बच्चों, इमेजिन मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो रूट्स निकालते हैं ना, वो 5 सेकंड में हम लोग निकालेंगे। आज हम लोग आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप बहुत ही जल्दी कर लेंगे। कुछ इस ट्रिक को जानने से पहले आपको थोड़ा सा आप यहाँ पे जानिए। जैसे मान लेते हैं, देखिए आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं 1 से लेके 8 तक, ठीक है। आप सेकेंड में आंसर निकाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्लस प्लस, देखो प्लस 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 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस। अगर आपका यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो हम क्या करेंगे, जो उसके रूट्स होंगे वो दोनों किस में लिखेंगे, माइनस में। अगर एक प्लस से माइनस है तो रूट्स हम लिखेंगे माइनस और प्लस में। अगर दोनों माइनस है तो हम प्लस माइनस में लिखेंगे, माइनस प्लस है तो हम प्लस प्लस में लिखेंगे। स्टूडेंट्स, इसे याद करना आपके लिए काफ़ी ईजी है। दो तो बहुत ईजिली याद हो जाएगा। अगर दोनों प्लस है तो दोनों माइनस, अगर एक प्लस माइनस है तो ये माइनस प्लस, अगर ये दोनों माइनस है, ये दोनों लर्न करना आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही जल्दी आपको याद हो जाएगा। अब देखिए चुटकियों में आप जो है इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये 12 है, इसके पहले प्लस है, ठीक है। यानी कि अब आप यहाँ पे कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट 1 और ये आपका आ गया 12, और इसको आप ब्रेक कर लोगे 2 × 4 × 3। अब इसको दो पार्ट्स ऐसा बनाओ कि प्लस करने पे 7 आ जाए। बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, दो पार्ट्स इसको आपको ऐसा बनाना है कि आपका क्या आ जाए, 7 आ जाए, प्लस करने पे 7 आ जाए। जो बड़ा वाला होगा उसे पहले आप लिखोगे, यानी आप लिखोगे पहले 4 और फिर लिखोगे आप 3। अब रूल में आ जाओ आप, देखो प्लस प्लस, जब प्लस प्लस होंगे तो रूट्स आपके क्या होंगे, माइनस माइनस। आपको कुछ नहीं करना बेटे, यहाँ माइनस लगा देना, यहाँ माइनस लगा देना, आपका रूट कंप्लीट। देखिए कितना ईजी है। ऐसे आप ये देखो, यहाँ पे आप देखो एक्स स्क्वायर कोफिशियंट आपका 1 है, यहाँ क्या है आपका 12 है, आप इसे ब्रेक करो 2 × 2 × 3। अब आप यहाँ पे देखो माइनस है, अब आप इसमें क्या करना है, इसके दो पार्ट्स ऐसा करना है, एक दो नंबर लेने हैं आपको, दो नंबर, एक बड़ा एक छोटा। अब यहाँ पे आपका क्या है, ऐसे नंबर लेना है जिनका माइनस जो है 4 आ जाए, जिनका माइनस 4 आ जाए। यही ढूंढने में आपको टाइम लगेगा, बाकी चुटकियों में आंसर आपका क्या कितना होगा, एक आएगा 6, देखो 6 और एक 2, इनका माइनस आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आप देखो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस में क्या होगा, एक माइनस और एक प्लस, तो आपका ये माइनस हो गया और एक प्लस हो गया। देखिए चुटकियों में आंसर बेटे कितना आसान है। ऐसे आप देखो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट 1 है, यहाँ क्या है 48 है, इसको ब्रेक करो आप 2 × 4, 3 × 12, 2 × 24, 2 × 48, ये आपका आ गया 48। अब ध्यान से देखना बेटे, 2 × 4, 3 × 12 और 4, 12 माइनस 4 कितना हो गया 8। अब यहाँ देखो आपका माइनस माइनस है, जब माइनस माइनस होगा तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, यानी आपका कितना आया, एक आया 12 और एक आया आपका 4। तो पहले क्या है, पहले आपका क्या है प्लस है, फिर क्या है माइनस है। ये देखिए आप 12 माइनस 4 आपका आंसर आ गया, कितना ईजी है। ऐसे आप ये देखो एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, इसके पहले 1 और इसके 18, इसको फैक्टर करो आप 2 × 3 = 6, 3 × 18। अब इसको दो पार्ट्स ऐसा ब्रेक करो कि प्लस करने पे 11 आ जाए, तो 9 और 2, तो आप 9 जो बड़ा वाला है उसे पहले लिखोगे फिर आप 2 लिखोगे। अब देखिए ये माइनस प्लस है, जब माइनस प्लस होंगे तो दोनों रूट किस में होंगे, आपके प्लस प्लस में होंगे, तो यानी 9 और 2 आपके क्या हो जाएंगे, प्लस प्लस में हो गया। देखिए कितना ईजी है। चलिए अब हम लोग इक्वेशन को चेंज करते हैं। बेटे चुटकियों में आंसर निकाल रहे हो आप लोग, देख सकते हो 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर निकल रहा है। ये देखिए अब यहाँ पर अगर कोई कोफिशियंट आता है, अच्छा कुछ बच्चे सोचते हैं सर अगर ये माइनस आ गया तब क्या करेंगे, बेटे कुछ भी नहीं, माइनस अगर एक्स स्क्वायर के पहले आता है ना, माइनस का आप मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ माइनस आ गया, यहाँ आपका प्लस आ गया है, माइनस आ गया, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, इन्हीं चारों में से एक टर्म आपका मिल जाएगा। बहुत ईजी, कुछ नहीं करना, ये तो और ईजी है। इसमें क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट 8 लिया, यहाँ आपका क्या है 3 है, अब तो आ गया है 24 को ब्रेक कर लो 2 × 2 × 2 और × 3। अब बेटे दो नंबर आप ऐसा बनाओ इसमें जिनका प्लस करने पर 11 आ जाए, एक आएगा 8, एक आएगा 3, यहाँ लिखोगे 8, यहाँ लिखोगे 3, ठीक है। अब ये दोनों प्लस प्लस हैं, प्लस प्लस पे हमारे क्या होंगे, माइनस माइनस, आप यहाँ लिखो माइनस, यहाँ लिखो माइनस। अब क्या करोगे, एक्स स्क्वायर के पहले क्या लिखा हुआ है 8, तो
तो आप लिखोगे यहाँ पे 8x इज इक्वल टू, यहाँ लिखोगे 8x इज इक्वल टू। ये देखो फटाफट देखो कितना आसानी से आ गया ना मज़ा। देखो बेटे कितना आसान है, मैथ्स को आपको डराना है बेटे, फील करो आप, देखो कितना अच्छे से आप लोगों का आ गया। कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट हो यहाँ लिख दोगे, सिंपल आंसर आपके सामने है। चलिए एक और लेते हैं हम लोग, यहाँ आपका 12 है, यहाँ आपका 14 है। अब 12 और 14 को आपको करना है क्या, फैक्टर। 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 2 7 जा 14। अब इसको आपको दो पार्ट ऐसा बनाना है बेटे, दो पार्ट इसको आपको ऐसा बनाना है कि माइनस करने पे 13 आ जाए। दो पार्ट ढूंढना है, दो पार्ट। अब देखो फटाफट यहाँ पे 7 3 जा 21, 2 2 जा 4 2 जा 8, 21 से 8 गया कितना आया बेटे, 21 से 8 गया तो 13। आप यहाँ लिखोगे 21 और फिर यहाँ लिखोगे आप 8, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस और माइनस में क्या होगा, ये रूट होगा माइनस, ये रूट होगा प्लस, ठीक है। एक्स स्क्वायर के पहले आपका क्या है 12, तो यहाँ लिखोगे 12x इज इक्वल टू, यहाँ लिखोगे 12x इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू जो आपका आ गया वो कितना आया बेटे, x इज इक्वल टू आ गया -21/12 और x की वैल्यू एक आ गया 8/12। इसे कट कर दोगे, ये आपका आ जाएगा 3 4 जा 3 7 जा और ये आएगा 4 2 जा और 4 3 जा। देखो आंसर आपके सामने, x इज इक्वल टू -7/4 और 2/3, कितना आसानी से आ गया। ऐसे एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल और लेते हैं, ये देखो आप एक्स स्क्वायर के पहले क्या है बेटे 15, यहाँ क्या है 10, आप इसे ब्रेक करो 3 × 5 और 2 × 5। अब इसको आप ऐसे दो पार्ट करो कि माइनस करने पे 19 आ जाए, दो पार्ट आपको ढूंढना है। अब ढूंढो आप दो पार्ट ऐसे कौन से आपके हैं, एक आया 25 एक आया 6, यानी कि आप लिखोगे यहाँ 25 यहाँ लिखोगे आप 6, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस में क्या है, एक प्लस और एक माइनस, यहाँ पे आप लिखोगे 15x और यहाँ पे आप लिखोगे 15x। अब देखो x इज इक्वल टू आ गया 25/15 और x की वैल्यू आ गया बेटे -6/15। बस इसे कैंसिल करोगे, आंसर आपके सामने। देखिए फटाफट कितना जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है 5 सेकंड के अंदर। ये देखो आप एक्स स्क्वायर के पहले आपका 3 है, यहाँ लिखोगे 3, यहाँ लिखोगे 8, 8 कितना हो गया 24, 24 का ऐसा दो पार्ट करो कि प्लस करने पे 5 आ जाए, तो 24 और 1, तो यहाँ लिख दो 24, यहाँ लिख दो 1। अब 24 लिखने के बाद में माइनस प्लस, माइनस प्लस में क्या होता है, दोनों प्लस होते हैं, दोनों प्लस हो गया। अब यहाँ पे आप लिखो इक्वल, यहाँ लिखो इक्वल, एक्स स्क्वायर के पहले 3 है, 3x लिख दिया, इसके पहले 3x है, 3x लिख दिया, x की वैल्यू 8, x की वैल्यू 1/3। देखिए कितने इजीली हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कितना इजी मेथड है, आपको बस केवल ये लर्न करना है, ये ठीक से आप लर्न करो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 सेकेंड में आंसर हुआ ना, देखा ना कितना इजी है। अब इस तरीके से मैं आपको कुछ और बताऊंगा, मल्टीप्लिकेशन के रूल बताऊंगा बाद में, अभी आप इसको ही देखो, ठीक है। थैंक यू, और कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना। थैंक यू।